दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने कनेक्शन का टैरिफ चेंज कर सकते हैं। टैरिफ मतलब कि कैसे आप उसका कैटेगरी चेंज करवा सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई कनेक्शन कमर्शियल में लिया था, अब आप चाह रहे थे कि उसको डोमेस्टिक में करना है, तो आप कैसे उसको कमर्शियल से डोमेस्टिक करवा सकते हैं। या फिर आपने अगर डोमेस्टिक में लिया था पहले, अगर आपने वहां पर फिर कोई कमर्शियल काम शुरू कर दिया है या फिर कोई अपने दुकान खोल दिया, तो आप उसको कमर्शियल कैसे करवा सकते हैं बिना नया कनेक्शन लिए हुए। उसी कनेक्शन को आप कमर्शियल में कैसे करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर कैटेगरी चेंज करने की आपसे बात करें तो हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला कि आप लोअर टैरिफ से हायर टैरिफ में जा रहे हो, इसका मतलब लोअर कैटेगरी से आप अपना कनेक्शन हायर कैटेगरी में चेंज करवा रहे हो। या फिर दूसरा हो सकता है कि आप हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी में आ रहे हो। तो दोस्तों ये दो तरह के केस हो सकते हैं। दोस्तों अब हायर टैरिफ और लोअर टैरिफ का क्या मतलब है? हायर टैरिफ का मतलब है कि वैसा कैटेगरी या वैसा टैरिफ जिसमें यूनिट का रेट अधिक होता है उसको हम लोग हायर कैटेगरी बोलते हैं। या फिर दूसरा हो गया जिसमें यूनिट का रेट कम होता है उसको बोलते हैं लोअर कैटेगरी या फिर लोअर टैरिफ। तो अब हम दोनों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप अपना कनेक्शन लोअर टैरिफ से हायर टैरिफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जैसा कि आपने कोई कनेक्शन डोमेस्टिक में लिया था, जैसे घरेलू यूज के लिए लिया था, लेकिन अब आप चाहते हैं कि उसको कमर्शियल कर दिया जाए या फिर उसको इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ऐसे केस में क्या करना होगा? दोस्तों ऐसे केस में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा ऑफिस से, आप उसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मेंशन करना होगा कि आप किस कैटेगरी से किस कैटेगरी में जा रहे हैं। आप जैसे डोमेस्टिक से कमर्शियल में जा रहे हैं, डोमेस्टिक से इंडस्ट्रियल में जाना चाह रहे हैं, या फिर किस कैटेगरी में जा रहे हो, आपको मेंशन करना होगा कैटेगरी चेंज क्या कर रहे हैं। आपको उसमें अपना कंज्यूमर आईडी वगैरह ये सब मेंशन कर देना है, आपको फिर काउंटर पे फॉर्म जमा कर देना है और जो भी एप्लीकेशन फी होगा उसके साथ जमा कर देना है। उसके बाद जो भी सिक्योरिटी का डिफरेंस होगा, जैसे आप टैरिफ जैसे इंक्रीज करते हैं तो उसका सिक्योरिटी अमाउंट भी बढ़ जाता है। जैसे आप डोमेस्टिक में अगर 1 किलोवाट का सिक्योरिटी अमाउंट 800 रुपये है, तो कमर्शियल में जनरली 1200 रुपये 1300 रुपये इस तरह से उससे अधिक रहता है। तो अगर आपने 2 किलोवाट का पहले से डोमेस्टिक कनेक्शन रखा था, अब आप उसको 2 किलोवाट का कमर्शियल कनेक्शन करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, सिक्योरिटी अमाउंट अब आपको अधिक जमा करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट का डिफरेंस है, जैसे पहले से आपने अगर 1600 रुपये जमा कर दिया था, अभी आपको टोटल सिक्योरिटी अमाउंट अगर 2400 रुपये हो रहा है, तो जो भी डिफरेंस है मतलब 800 रुपये, वो 800 रुपये आपको एडिशनल सिक्योरिटी मनी के रूप में आपको जमा करना होगा। उसके बाद आपका कनेक्शन डोमेस्टिक से कमर्शियल कर दिया जाएगा। जनरली ये नेक्स्ट बिलिंग साइकिल से चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे केस के बारे में, जिसमें आपको जैसे हायर टैरिफ से लोअर टैरिफ में जाना है। जैसे आपने कमर्शियल में पहले से कनेक्शन ले रखा था और आपका दुकान मान लीजिए बंद हो गया, आप चाहते हैं कि उसको डोमेस्टिक में कर दिया जाए, तो आप कमर्शियल से डोमेस्टिक में जाना चाहते हैं। या फिर कोई इंडस्ट्रियल कनेक्शन था, आप उसको चाहते हैं कि डोमेस्टिक में कर दिया जाए, तो इसमें क्या करना होगा? इसमें भी सेम काम है, आप सेम ही एप्लीकेशन फॉर्म भर के इंस्पेक्ट एप्लीकेशन फी जमा करेंगे, उसके बाद से जो भी एम्प्लॉय है वो आपके प्रीमिसेज का इंस्पेक्शन करेंगे कि मतलब जो आपका प्रीमिसेज उसमें किस तरह का कनेक्शन होना चाहिए। हो सकता है जैसे आपने डोमेस्टिक के लिए अप्लाई कर दिया, बट आप अगर कमर्शियल का यूज कर रहे हैं तो वो डोमेस्टिक में ना होगा, फिर कमर्शियल में ट्रांसफर होगा, या फिर कमर्शियल पहले से है तो वो चेंज नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद से आप डिसाइड होगा कि आपका कैटेगरी चेंज किया जाए कि नहीं। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है कि अगर जैसे आप हायर टैरिफ से लोअर टैरिफ में जाते हैं, तो इसका एक मिनिमम पीरियड होता है। जैसे कोई भी आप कनेक्शन लेता है तो उसका एक मिनिमम पीरियड, जैसे आप जैसे कमर्शियल आपने कनेक्शन लिया तो उसको कम से कम 1 साल रखना होता है, जनरली 1 साल होता है, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग भी हो सकता है। तो 1 साल के बाद ही आप उससे लोअर टैरिफ में जा सकते हैं। जैसे कमर्शियल में आपको लिए हुए 5 महीने हुआ, तो आप उसको डोमेस्टिक में नहीं करा सकेंगे जब तक आप उसको 1 साल तक यूज नहीं करते कमर्शियल के रूप में, उसके बाद ही आप उसको डोमेस्टिक में करवा सकते हैं। तो एक मिनिमम पीरियड होता है जितना आपको हायर टैरिफ में आपको मेंटेन करना होता है जिस कैटेगरी में आपने कनेक्शन लिया था। लेकिन ये लोअर से हायर टैरिफ वाले केस में नहीं है। जब आप जैसे डोमेस्टिक में आपने कोई कनेक्शन लिया था, तो आप साल भर के अंदर ही मतलब मिनिमम पीरियड के पहले भी आप चाहें तो उसका कैटेगरी बढ़ा के हायर कैटेगरी में जा सकते हैं, लेकिन लोअर कैटेगरी में जाने से आपको ये मिनिमम पीरियड पूरा करना होता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि आपको कोई सिक्योरिटी मनी जमा नहीं करना पड़ता है। जब भी आप लोअर टैरिफ में आते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी ऑलरेडी अधिक जमा रहता है। जैसे आप हायर टैरिफ में रहते हैं जिसका सिक्योरिटी मनी ऑलरेडी अधिक होता है, तो ऐसे केस में क्या है, आपका जो अभी सिक्योरिटी मनी होगा, जितना सिक्योरिटी अमाउंट जमा होना चाहिए उससे ऑलरेडी अधिक
आपका सिक्योरिटी मनी जमा रहता है, तो ऐसे केस में आपको और एक्स्ट्रा या एडिशनल सिक्योरिटी मनी जमा नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे में फिर आपका इंस्पेक्शन होने के बाद से आपका अगर कैटेगरी सही रहा आपका या फिर उसके वो आपका एप्लीकेशन वैलिड है तो आपका कैटेगरी चेंज करके लोअर कैटेगरी या फिर लोअर टैरिफ में चेंज कर दिया जाता है। ये भी जनरली आपको नेक्स्ट बिलिंग साइकिल से वैलिड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें जरूर बताएं ताकि मुझे आपका फीडबैक मिलता रहे कि आपको इससे फायदा हो रहा है कि नहीं। अगर आप इसमें कुछ सुझाव या सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जरूर लिख के बताएं कि इसमें कोई सुधार चाहिए आप या फिर आप किस बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में लिख के हमें बताएं ताकि मैं उसके बारे में कोई डेडिकेटेड वीडियो आप बना के आपको बता सकूं। दोस्तों जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इस जानकारी को जान सके। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के अपडेट या फिर उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।